हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने इस चैनल पे आपके साथ हेयर केयर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो शेयर करती हूँ। मैं सारी रेमेडीज़ आपको वही बताती हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन है, जिन्हें मैं खुद अप्लाई करती हूँ और उनका रिजल्ट मुझे मिलता है। उसी तरह से आज भी मैं आपको एक हेयर टिप बताने जा रही हूँ जो कि जावेद हबीब जी द्वारा दी गई टिप है, और डेफिनेटली उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और उसका असर मेरे हेयर पे बिल्कुल प्रॉपरली आया है। तो अगर आप इस टिप को जानना चाहते हो तो, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। जावेद हबीब जी, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे हर कोई व्यक्ति जानता है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर टिप देते हैं जिनको सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करती हैं और अपने हेयर के लिए एडवाइस लेती हैं कि उन्हें किस तरह का एप्लीकेशन अपने हेयर पे करना चाहिए जिससे कि उनके हेयर जो हैं वो हेल्दी दिखें। सेलिब्रिटीज़ और हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स सभी उनके द्वारा दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं। उसी तरह से ये एक टिप जो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, मैंने रियली इसे अप्लाई करा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे हेयर पे आया है। और वो हेयर टिप है प्री कंडीशनिंग की। प्री कंडीशनिंग क्या होती है? एक्चुअली हम लोग जब कंडीशनर करते हैं तो हम लोग शैम्पू करने के बाद अपने हेयर को, उसके बाद हम कंडीशनिंग करते हैं। जो मार्केट बेस्ड हमारे पास कंडीशनर होता है, हेयर लेंथ के ऊपर हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं, स्कैल्प पे नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि फ्रिजीनेस और ड्राइनेस हमारे हेयर से चली जाए, ठीक है। लेकिन रियलिटी मानिए, मोस्टली ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उसके ऑपोजिट रिजल्ट भी नज़र आते हैं क्योंकि हमारे हेयर हेल्दी ही नहीं होते, क्योंकि हमने बहुत टाइम से उसकी केयर नहीं की होती। तो मैं ऑलवेज आपको यही कहती हूँ कि आप होम रेमेडी वेज जो भी हेयर पैक हैं उनको यूज़ कीजिए, उसके बाद आपके हेयर हेल्दी हो जाएंगे। उसी के साथ ये प्री कंडीशनिंग का जो टिप है वो भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि रियलिटी में ये बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और प्री कंडीशनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए कि शैम्पू से पहले अपने हेयर को कंडीशनर करना, शैम्पू से पहले हेयर कंडीशनर करना, ये जावेद हबीब जी बताते हैं। पर मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपको मार्केट बेस्ड जो कंडीशनर है आपको वही अप्लाई करना है शैम्पू करने से पहले, फिर आपने हेयर वॉश करने हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने एक घर का बना हुआ पैक लेना है, पैक भी नहीं, कुछ एक ही चीज़ है जिसको आपने अप्लाई करना है। वो क्या है? वो है सरसों का तेल। आपको सरसों का तेल लेना है। जावेद हबीब जी ने बताया कि आप शैम्पू करने से पहले 15 मिनट पहले आप अपने हेयर लेंथ को गीला कर लीजिए, फिर आप एक बाउल में सरसों का तेल लीजिए और अपने हेयर लेंथ पे प्रॉपरली सरसों का तेल अप्लाई कीजिए, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं। वाकई इसमें ये बहुत ही गुणकारी होता है, हेयर को हेल्दी बनाने का काम करता है, हेयर ब्रेकेज नहीं होने देता और हेयर पे बिल्कुल शाइन भी आती है, और ये बिल्कुल अच्छे कंडीशनर का काम करता है। और वाकई ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। और इसको हेयर लेंथ पे अप्लाई करने के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद आपने अपने हेयर जो है वॉश करने हैं किसी भी माइल्ड शैम्पू से, जो भी आप यूज़ करते हो उससे कीजिए। अब बात ये आती है कि ये जो हमने एप्लीकेशन करा तो उससे पहले क्या हमने कोई और एप्लीकेशन नहीं करना हेयर पे? तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने अगर कोई कोकोनट ऑयल भी अपने स्कैल्प पे लगा रखा है तो लगा रहने दीजिए, चाहे आपने कोई जैतून का तेल लगा रखा है या आपने कैस्टर ऑयल लगा रखा है, कोई भी एप्लीकेशन कर रखी है होने दीजिए आप उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने हेयर लेंथ को गीला करके उसके ऊपर इस सरसों के तेल का एप्लीकेशन करना है प्री कंडीशनिंग के रूप में, और आपको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है। आप देखिएगा वाकई ही इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, जो हेयर लेंथ है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाती है, बहुत अच्छी नज़र आती है और फ्रिजीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसे 10 से 15 दिन मतलब 2 या 3 या 4 टाइम तक 10 या 15 डेज में यूज़ करते हो, तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी रेमेडी एकदम से असर नहीं दिखाती, क्योंकि आप सोचो अगर आपने अपने हेयर पे कभी कुछ नहीं किया तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके होंगे। और अगर अब आपको ये चाहिए कि आपके हेयर अच्छे हो जाएं तो उसके लिए वो अपनी केयर के लिए कुछ टाइम भी मांगेंगे, मतलब हेयर की केयर के लिए आपको कुछ टाइम अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब उसका रिजल्ट आएगा। और जिन लोगों के बाल वाकई ही अच्छे हैं, अगर वो भी इसका एप्लीकेशन करते हैं आगे के लिए, उनके हेयर और हेल्दी हो जाएंगे, वाकई उनके
मतलब उनको अपने हेयर पे फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम के बाद ही पता चल जाएगा कि वाकई इसका असर कितना आया है और कितने अच्छे उनके हेयर हो गए हैं। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका जो एप्लीकेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, शेयर कीजिए कि आपको उसका कितना बेनिफिट मिला। मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, फिर मैं आगे और भी आपके लिए अच्छे अच्छे से जो वीडियोस हैं वो लेकर के आऊँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉलेजेबल लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।